सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहां आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने शमूलियत की। अनंतनाग लोगों की ये एक बदकिस्मती रही है, जब कभी ऐसा लगता है, और ये मैं पिछले चंद सालों के हवाले से बात कर रहा हूं, जब जब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटा भारी है या एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो किसी ना किसी बहाने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप दोस्त याद करें तो 2017 में भी ऐसा ही एक साजिश के तहत अनंतनाग असेंबली हलके के लोगों को जो है डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर साहिबा का भाई जो है वो उम्मीदवार था। इलेक्शन हारने के चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन के साथ एक साजिश रचा के अनंतनाग असेंबली हलके के इलेक्शन को जो है लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन किया गया, और वो दिन और ये दिन उसके बाद वहां इलेक्शन हुआ नहीं। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है मुगल रोड में जो है वहाँ चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्यों कर रही है? कल को अगर मैं कोई तमिलनाडु को लेकर चिट्ठी लिखूं या केरला को लेकर चिट्ठी लिखूं या महाराष्ट्र को लेकर चिट्ठी लिखूं को, क्या इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेगी? तो अगर मेरी चिट्ठियों का इन जगहों पर नोटिस नहीं लिया जाएगा तो साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी की सीट पे उन पार्टियों का जिनका कोई उम्मीदवार नहीं है उसका नोटिस क्यों लिया जा रहा है? और फिर इस लिस्ट को बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए एक पार्टी का दो बार जिक्र होता है, एक पार्टी के सदर के नाम के लिहाज से और उसके बाद सिर्फ पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इन को निकालने का काम करें तो इसमें चंद ही तो नाम बचते हैं, और वैसे भी आज अगर आप देखें रास्ता खुला है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। चलिए अगर एक आध दिन बारिश पड़ भी जाती है तो इतना कोई रास्ता खोलना जो है इतना मुश्किल है नहीं। और अगर मेरे खुद के उम्मीदवार हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर किसी वजह उनका प्रोग्राम जो है मुगल रोड से नहीं होता तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये रियासी से होते हुए इलाके में पहुंच के वहाँ अपना कैंपेन का शेड्यूल जो है वो चालू रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर पार्टी जो है उनकी व्यूज़ को कंसिडरेशन में लाएं। अगर हमारे व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और ये चीज़ जो है लोग इसको बहुत इसका एक इसका जो
मायने निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा।